कॉल सेंटर में काम करने वाली एक भोली भाली लड़की। ये इंडस्ट्रियल डेवलपिंग एरिया जहाँ उसका ऑफिस था, हाईवे के किनारे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही थी, लेकिन अभी भी चारों ओर खेत थे। हाईवे 1 किलोमीटर दूर था, जहाँ से श्वेता को उतरकर 1 किलोमीटर पैदल ही आना जाना पड़ता था। रात के 8 बज रहे थे, श्वेता ऑफिस से घर के लिए निकली। हाईवे पर तो रात भर चहल पहल रहती थी, लेकिन बीच का 1 किलोमीटर वाला रास्ता बहुत सुनसान था। जैसे ही श्वेता कुछ दूर गई, 4 गुंडे उसकी तरफ आते दिखे। श्वेता उन्हें देखकर घबरा गई और वापस ऑफिस की तरफ भागी। चारों गुंडे उसकी ओर लपके। अंधेरे में श्वेता रास्ता भटक कर एक खेत में चली गई। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उसके चारों ओर पक्का गोल चबूतरा था। वो चबूतरे पर जा गिरी। चारों गुंडे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। श्वेता किसी तरफ भागते हुए हाईवे तक पहुँची और किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी। तभी वातावरण में रॉयल एनफील्ड के साइलेंसर की डुक 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 वाली ध्वनि गूंज उठी। सामने से इस सुपर बाइक पर एक युवक आते देखा। वो युवक शरीर से बलिष्ठ, लंबा चौड़ा, गोरा था। उसने सफ़ेद कुर्ता और धोती पहन रखी थी। हाथ में मोटा कलेवा बांध रखा था, माथे पर तिलक लगा रखा था। जब श्वेता ने उसके पैरों तरफ देखा तो युवक ने खड़ाऊ पहन रखे थे। इस जमाने में खड़ाऊ कौन पहनता है, श्वेता ने सोचा। देखने में किसी मंदिर का पुजारी या किसी मठ का महंत लगता था। बाइक श्वेता के सामने आकर रुकी और युवक ने कहा, आओ बेटा, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी बातों में एक दिव्य आत्मीयता थी। श्वेता बाइक पर बैठ गई और कुछ ही मिनटों में श्वेता अपने अपार्टमेंट में पहुँच गई। बाइक से उतरकर उसने कहा, थैंक यू सर। बाइक वाला मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। श्वेता ने सारी बात अपने रूममेट को बताई और दूसरे दिन वो दोनों पुलिस स्टेशन गई और सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिए। घंटे भर में चारों अपराधी पकड़ लिए गए। उन चारों ने बताया, जब श्वेता चबूतरे पर गिरी थी और वे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तब श्वेता और उनके बीच 7 फुट लंबा, हट्टा कट्टा, सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक सामने आ गया, जिसको देखकर वो भाग खड़े हुए। तब तक हाईवे और श्वेता के अपार्टमेंट के आसपास के सभी CCTV फुटेज पुलिस ने मंगवा लिया था। सारे फुटेज में एक गड़बड़ी थी। हाईवे के सभी फुटेज एक निश्चित समय में 30 सेकंड के लिए ख़राब हो गए थे। एक CCTV कैमरे में, जो कि श्वेता के अपार्टमेंट के बिल्कुल नज़दीक था, उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। बाइक अपने आप चल रही थी और श्वेता उसके पीछे बैठी थी। जब श्वेता बाइक से उतरी, बाइक अपने आप लौट गई। उसी समय श्वेता को याद आया कि बाइक सवार को उसने अपना पता बताया ही नहीं था। फिर उसको अपार्टमेंट के बारे में कैसे पता चला? श्वेता दूसरे दिन उसी खेत में पहुंची जहां वो पीपल का पेड़ और चबूतरा था। एक पुजारी टाइप का आदमी वहां पूजा कर रहा था। श्वेता ने पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आदमी ने कहा, ब्रह्म बाबा की। ब्रह्म बाबा का नाम सुनते ही श्वेता को अपने घर के पास वाले ब्रह्म बाबा की याद आ गई, जिनके चबूतरे पर वह बचपन में खेलती थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि ब्रह्म बाबा पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। और जब तक अपने शहर में रही, ब्रह्म बाबा को पूछती रही। इस नए शहर में फिर से उसे एक ब्रह्म बाबा मिल गए थे। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरी वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।